Emerging India Analytics. Learn today, lead tomorrow. कोवेरियंस का पहला रिक्वायरमेंट यह है कि आपके दो डेटा सेट होंगे, इसको वेरियंस से डराइव करते हैं। वेरियंस में क्या किया हमने, क्या लिया था हमने, एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर आई इज इक्वल टू वन टू एन, और इसको एन से डिवाइड किया था। तो ये जो स्क्वायर टर्म है, ये हमने खुद का स्क्वायर किया है, उसका डिफरेंस लिया है और उसका स्क्वायर किया है। तो अगर आपका डेटा सेट कुछ ऐसा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन, ठीक है, इसका मीन कितना होगा, सॉरी मुझे आर याद आ रहा था, आर में मीन होता है, यहाँ तो एवरेज होता है, ये सब मैं करती रहती, फाइव है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाना है हमको। सो दिस इज योर डेटा, दिस इज योर डेटा एंड दिस इज योर डेटा माइनस मीन। तो हर पॉइंट को माइनस करेंगे किस में से, मीन में से, ये आपका मीन है, और माइनस करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ एक्सेल में, एस क्यू यू ए याद नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमने मीन निकाला, मीन का डिफरेंस निकाल लिया, ये आया माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू वन और फिर वन टू थ्री फोर। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर के लिए दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस अगेन, स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है, 6.66 हो गया, ये आया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्चुअली ये आपका वेरिएंस है। सो दिस इज मीन एंड दिस इज योर वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है इसका, ये होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.58। तो वेरिएंस निकलता है एक डेटा सेट के साथ। अब इसमें एक और डेटा सेट ले लेते हैं, अब दो डेटा सेट है सपोज मेरे पास, तो पहला डेटा सेट ऐसा था एंड लेट्स टेक अनदर डेटा सेट विच इज, चलो सेम ही ले लेते हैं, सेम सब कुछ सेम ले लिया हमने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो दूसरा डेटा सेट बिल्कुल रेप्लिका है इसका, उसका हमने मीन निकाला, निकाल के यहाँ रख लिया, फिर हम डेटा चेंज करते रहेंगे और स्क्वायर ये हो गया, और स्क्वायर निकालने के बाद इसका हमने
एवरेज। अब हम क्या करेंगे, कोवेरियंस के लिए यहाँ रुकते हैं। तो कोवेरियंस के लिए ये जो डिफरेंस हमने निकाला ना, ये वाला हमको एक्चुअली नहीं चाहिए स्क्वायर, वी जस्ट नीड दिस। मैं ये मार्क कर रही हूँ, ये येलो वाला ये चाहिए मुझे और इधर से ये वाला चाहिए। तो दो डेटा सेट लिए, दोनों के मीन निकाले और मीन से दोनों का डिफरेंस निकाला। इसके हर पॉइंट का डिफरेंस निकाल लिया और इसके हर पॉइंट का डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। अब हम कोवेरियंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले डेटा पॉइंट इसका जो डिफरेंस आया मीन से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के मीन के डिफरेंस से, और सारे डिफरेंसेस निकाल के अब इसका हम एवरेज लेंगे। तो व्हाट यू विल सी हेयर कि इस टाइम इन दो डेटा सेट का कोवेरियंस भी 6.66 है और इस डेटा सेट का खुद का वेरियंस भी 6.66 है। क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जो कोवेरियंस जिस दूसरे डेटा सेट के साथ लिया ना, वो सेम था। सो एक्चुअली वेरियंस आप ऐसे भी समझ सकते हो कि खुद के साथ ही कोवेरियंस होता है। तो कोवेरियंस के लिए दो डेटा सेट का होना जरूरी है, लेकिन वेरिएंस में खुद के साथ ही वेरिएशन निकाला जाता है। अब इसका यूज क्या है, क्यों निकाल रहे हैं हम ये, तो कोवेरिएंस से समझना इसको। आप एक चीज नोटिस करिए, ये दोनों डेटा सेट बिल्कुल सेम थे और सेम निकाल के मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिली, ठीक है, 6.66। अब इसको रखते हैं। अब मैं एक तीसरा डेटा सेट लेती हूँ, दो हो गए ना। इस बार जो डेटा सेट लेती हूँ, ये डेटा वन था मेरा, ये डेटा टू था, विच इज एक्चुअली द कॉपी। अब मैं लेती हूँ डेटा थ्री। इस बार मैं इसको पलट देती हूँ, 9, 8, 7। ठीक है, मैंने वाइस वर्सा कर दिया इस बार। वाइस वर्सा करा तो मीन एच 13 पे निकला ना, इसका मीन तो वही रहेगा। मैम एवरेज का स्पेलिंग गलत था। इसमें भी ऑटो करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो मीन तो सेम है, लेकिन इस बार डेटा की वैल्यूज पलट गई। जो ऊपर नेगेटिव थी वो इस बार पॉजिटिव हो गई, और जो नीचे पॉजिटिव थी वो इस बार नेगेटिव हो गई। तो दिस वाज कोवेरियंस बिटवीन डेटा वन एंड डेटा टू। डेटा वन एंड डेटा टू के बीच का कोवेरियंस था। अब मैं निकालूंगी डेटा वन एंड डेटा थ्री के बीच का कोवेरियंस, ठीक है। डेटा वन एंड डेटा थ्री के बीच का कोवेरियंस, तो मुझे क्या करना है, सेम है प्रोसेस। डेटा वन और डेटा थ्री के बीच में ये जो हमने मीन से डिफरेंस निकाले थे, ये वाले और ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ दिस, ड्रैग कर देते हैं और इसका यहां पर एवरेज ले लेते हैं। अब क्या हुआ, सेम वैल्यू लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ गई। तो दो डेटा सेट जो बिल्कुल सेम थे, उनका जब हमने कोवेरियंस निकाला तो एक पॉजिटिव नंबर मिला, पर दो डेटा सेट जो बिल्कुल एक दूसरे के वाइस वर्सा थे, ये 1 से 9 की तरफ बढ़ रहा था और ये 9 से 1 की तरफ घट रहा था, उनका जब हमने कोवेरियंस निकाला तो मुझे एक नेगेटिव नंबर मिला। तो बेसिकली कोवेरियंस टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा सेट, और दो पार्ट होते हैं इसके, एक साइन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। तो जब साइन पॉजिटिव हो, इसका मतलब है कि दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है।
बट जब साइन नेगेटिव हो तो इसका मतलब दोनों का ओरिएंटेशन वाइस वर्सा है, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। तो कोवेरियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन स्टैटिस्टिकल टर्म बिकॉज इट टेल्स यू दैट हाउ इज द ओरिएंटेशन ऑफ टू डेटा सेट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, रिलेशनशिप बताता है हमको, ठीक है। बट इसके साथ एक इश्यू भी है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? मैंने तीन डेटा सेट लिए, इसमें से दो तो सेम ही थे और तीसरा वाला जस्ट उल्टा था। तो दो सेम थे, उनका ही मैम एक पॉजिटिव बार कोवेरियंस। वापस रिपीट कर दीजिए, नेगेटिव होता है कोवेरियंस तो क्या होता है? नेगेटिव कोवेरियंस इसलिए आया क्योंकि ये वाला डेटा सेट बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ये 1 से 9 की तरफ बढ़ रहा था और ये 9 से 1 की तरफ जा रहा था। ये जब बढ़ रहा था तो ये घट रहा था। क्यों आया नेगेटिव? इसका पीछे का समझो ना साइंस। ये नंबर नेगेटिव था, शुरुआत में नंबर नेगेटिव था, फिर बीच में बाद में ये पॉजिटिव हो गया। बट यहाँ पर ये नंबर पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके आपको क्या साइन दिए? नेगेटिव साइन दिए। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके आपको नेगेटिव साइन दिए। तो ओवरऑल नेगेटिव इसने आपको हमेशा नेगेटिव साइन ही दिया क्योंकि इन ठीक दोनों का ओरिएंटेशन बिल्कुल उल्टा था एक दूसरे के। है। बट जब ये खुद के साथ हम कोवेरियंस निकाल रहे थे तो जब ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव था, और जब ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था, तो आपको एक पॉजिटिव नंबर ही मिला आंसर में। सो द पॉजिटिव कोवेरियंस इज टेलिंग यू दैट दे बोथ आर मूविंग विद ईच अदर, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। बट नेगेटिव कोवेरियंस इज टेलिंग यू दैट दे आर इन अपोजिट ओरिएंटेशन टू ईच अदर, एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। तो साइन नेगेटिव ठीक मिला है आपको, ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या है इसके साथ? इशू ये है कि कोवेरियंस इज सपोज टू टेल यू द रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे अपनी गट फीलिंग से बताओ, अगर इन दोनों को, ये जो 1 से लेके 9 तक के नंबर है, मैं इनको ये बना दूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। द मोमेंट ये मैंने 10 से 90 किया, आपका जो वेरिएंस है वो तो बढ़ गया। गाइस म्यूट करो अपने आप को। हाँ, तो वेरिएंस तो खैर बढ़ गया, लेकिन को वेरिएंस विच इज टेलिंग यू द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, वो भी बढ़ गया। कितना हो गया अभी? 66 हो गया। बट क्या आप मुझे बताओ, क्या इन दोनों का रिलेशनशिप बदला है? जैसे ये रिलेशनशिप से मतलब इन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव होना चेंज हुआ क्या? वो 30 से 40 हुआ, तो ये 3 से 4 हो गया। तो मूवमेंट तो अभी भी सेम है, लेकिन सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाने से मेरा कोवेरियंस की वैल्यू बढ़ गई। और अगर मैं इसको भी 10 कर देती हूँ, तो आई मेक अ कॉपी ऑफ इट, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दो डेटा सेट के बीच का रिलेशनशिप और इससे पिछले वाले दो जिसमें ये दोनों ही 10 से मल्टीप्लाइड नहीं थे, इस रिलेशनशिप में और उस रिलेशनशिप में कोई अंतर नहीं है, सेम है। दोनों एक्चुअली भी कॉपी है एक दूसरे की, वो भी कॉपी था ये भी कॉपी है। बट इनके मैग्नीट्यूड में देखो, वो आ रहा था 6.66 और अब मेरा कोवेरियंस क्या निकल कर आ रहा है? 666.66, 100 टाइम्स ज्यादा आ रहा है। तो साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नंबर इतना बढ़ गया कि मुझे ये क्या अंदाजा दे रहा है कि इनका रिलेशनशिप तो बहुत ज्यादा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, रिलेशनशिप आज भी वही है जो पहले था। पहले भी वो 1 से 9 की तरफ जा रहे थे और अभी 10 से 90 की तरफ जा रहे हैं।